सड़क पर उतरे ये लोग राष्ट्रपति मैक्रों का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और कुछ ही घंटों बाद इस पर वोटिंग होनी है। मैक्रों की सरकार रहेगी या नहीं, ये बात का सवाल है, लेकिन अहम ये है कि क्या लोगों के जबरदस्त विरोध के बाद मैक्रों अपना फैसला बदल देंगे। फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के लिए प्रस्ताव पास किया गया। मैक्रों ने प्रस्ताव के लिए अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया। फ्रांस में अब रिटायर होने की उम्र 62 की जगह 64 होगी। पेंशन सुधार को लागू करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से दिखाई गई जल्दबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। मैक्रों ने सीनेट में वोटिंग की जगह राष्ट्रपति को मिले विशेष आपातकालीन अधिकार का इस्तेमाल किया और प्रस्ताव पारित कर दिया। मैक्रों के फैसले के बाद से ही लाखों लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगहों पर पुलिस और पब्लिक में झड़प भी हुई है। हालांकि बिल पर अभी नेशनल असेंबली में मतदान नहीं हुआ। इस सदन में राष्ट्रपति की पार्टी अल्पमत में है। मैक्रों की पेंशन सुधार योजना के खिलाफ जनवरी से ही फ्रांस में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अब सीनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद गुरुवार को फ्रांस में प्रदर्शन तेज है। सरकार की दलील है कि फैसला देश के पेंशन फंड को खतरे में पड़ने से बचाने के लिए लिया गया है, लेकिन देश की लेफ्ट और राइट दोनों पार्टियां सरकार के खिलाफ हैं। नए पेंशन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच अब मैक्रों सरकार को सदन में बहुमत साबित करना होगा। विपक्षी पार्टियों की एकजुटता ने इसे एक चुनौती बना दिया है। मैक्रों ने रिटायरमेंट की उम्र को 62 से 64 करने वाले कानून का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद से पेरिस समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अब सदन में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। नारेबाजी हो रही है, लोग सड़कों पर निकले हैं। पेरिस और फ्रांस के कुछ इलाकों में पिछले कुछ दिनों से माहौल गर्म है।